यहाँ पोलिंग बूथ का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। मतदान की गोपनीयता भंग करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। 17 नवंबर को मतदान का ये वीडियो बताया जा रहा है। मतदाताओं को मतदान कराते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी ने निर्वाचन पदाधिकारी से इस बात की शिकायत की है। अटेर विधानसभा के मतदान केंद्र 11 और 12 का ये वीडियो बताया जा रहा है। वहीं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर मतदान की गोपनीयता को प्रभावित करते हुए इस वीडियो में लोग दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है, जहां पर एक शख्स जो है वो मतदान करने जा रहे लोगों को कुछ कहता हुआ, कुछ समझाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और मतदान की गोपनीयता इससे भंग हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर ईवीएम होती है, वहां पर जो लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं वहां पर कुछ लोग जाकर उनको कुछ कहते हुए, कुछ समझाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिलहाल न्यूज 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इसको लेकर बीजेपी ने त्योरियां कस ली हैं और बीजेपी ने चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की है। मतदाताओं को मतदान कराता हुआ युवक दिखाई दे रहा है, बीजेपी ने निर्वाचन पदाधिकारी से इस बात की शिकायत की है। तस्वीरें में देख सकते हैं आप, ये घेरे के अंदर जो शख्स दिखाई पड़ रहा है वो वहां मतदान करने जा रहे महिला को कुछ कहता हुआ, कुछ समझाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इससे गुप्त मतदान जो कि एक प्रक्रिया है वो प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। अभी देखा नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी देखा नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। अभी देखा नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारी विधानसभा क्रमांक 9 अटेर में आज एक वीडियो प्राप्त हुआ है। इसमें बूथ क्रमांक 11 और 12 खड़ीत गांव में सरेआम कई आपराधिक व्यक्ति एक बूथ पर 4-4, 5-5 लोग घुसकर फर्जी मतदान कर रहे हैं। वह वीडियो देखकर आज हमने निर्वाचन आयोग में शिकायत की है और निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है, लिखित में वीडियो भी दिए है, लोकतंत्र के सिस्टम में स्वतंत्र और निर्भीक मतदान हो। तो बीजेपी ने निर्वाचन पदाधिकारी से इस मामले की शिकायत की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महिला मतदान करने के लिए आती है और भी तमाम लोग जो है जो मतदान करने के लिए आ रहे हैं वहां पर सफेद कमीज पहने ये व्यक्ति जो है वो कुछ समझाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एनके बटेले जुड़ रहे हैं। एनके बटेले, आप ये देख सकते हैं ये जो वीडियो है यहाँ पर एक व्यक्ति मतदान करने आ रहे लोगों को कुछ कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साफ तौर पर वीडियो से कम यही साबित हो रहा है कि मतदान की गोपनीयता भंग हो रही है। बीजेपी अब हमलावर है और निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की है। क्या कुछ तमाम ताजा अपडेट इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा, ये 17 नवम्बर का मामला है। जिस दिन मतदान हुआ था वहां पर जो अटेर विधानसभा का ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज है जो सामने आया है। इसमें साफ तौर पर जो खड़ीत गांव है अटेर विधानसभा का, वहां के पोलिंग बूथ क्रमांक 11 और 12 पर देखा जा रहा है कि जो एक कोई व्यक्ति है जो बार बार लोगों को कुछ कह रहा है, बार बार ईवीएम मशीन के नजदीक जा रहा है। और ये सबसे बड़ा एक सवाल उठने वाला मामला ये है कि जो सीसीटीवी कैमरे थे वो निर्वाचन के आयोग के द्वारा मतदान केंद्रों पर लगाए गए थे, अब उसका जो वीडियो है वो बीजेपी के जो प्रत्याशी है अरविंद सिंह भदौरिया उनके द्वारा इस मामले में शिकायत की गई है और सवाल भी उठाया गया है कि जो मतदान केंद्र के अंदर जो गोपनीयता होती है उसको भंग करने का यह प्रयास किया गया है और फर्जी मतदान किए जाने का भी आरोप भाजपा प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया के द्वारा निर्वाचन आयोग से शिकायत में करते हुए बताया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल जो जिला निर्वाचन अधिकारी है उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका साफ तौर पे ये कहना था कि अभी पूरे मामला सामने नहीं आया है, अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो उसमें जो जांच कराई जाएगी, जांच के बाद जो कार्रवाई है
वो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये समझ में नहीं आ रहा, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, तो वो करीब 12 दिन बाद, मतदान के 12 दिन बाद ये वीडियो वायरल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सीसीटीवी जो वीडियो है वो आम आदमी के पास तो पहुंच नहीं सकते थे। अब ये वीडियो किस तरीके से वायरल हुए हैं, ये बड़ा सोचने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, इस मामले में किसकी संलिप्तता है कि सीसीटीवी फुटेज ये वायरल कैसे हुआ। लेकिन उससे बड़ा संवेदनशील मामला ये हो जाता है कि तस्वीरें फिलहाल यही बयान कर रही हैं। हालांकि न्यूज 24 मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये वीडियो डॉक्टर्ड है या फिर ये मूल फुटेज है। लेकिन प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो जांच इसी आधार पर होगी। जी बिल्कुल, जो निर्वाचन जिला अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी जो वीडियो है वो सामने आए हैं। अब ये वीडियो कहाँ के हैं, किस मतदान केंद्र के हैं, ये पूरी जांच का तय है और ये जांच प्रक्रिया में इसे ले लिया गया है। हालांकि जो भाजपा के प्रत्याशी अरविंद सिंह भदौरिया, उनके द्वारा निर्वाचन आयोग तक से इस बात की शिकायत की गई है और उनके जो बड़े भाई इस विधानसभा पर बाकी के जो प्रत्याशी हैं, अन्य पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या उन्होंने भी कोई आपत्ति दर्ज कराई है या फिर पुनर्मतदान जैसी कोई शिकायत हो, कोई आवेदन हो? नहीं जी बिल्कुल, जो अटेर विधानसभा से चार प्रत्याशी आमने सामने थे, कांग्रेस से हेमंत कटारे और सपा से मुन्ना सिंह भदौरिया, जो कि भाजपा से भागी होकर उन्होंने सपा का दामन थामकर चुनाव लड़ा था, वही बसपा से भी प्रत्याशी है। हालांकि अन्य जो तीन प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, केवल भाजपा प्रत्याशी और उनके बड़े भाई देवेंद्र सिंह भदौरिया के द्वारा इस पूरे मामले में शिकायत की गई है और उन्हीं के द्वारा इसमें कार्रवाई की मांग की जा रही है। जी चलिए।